अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शायदा समर। कैसे हैं आप सब? आज हम मजेदार सी रेसिपी बनाएंगे और आज मैं बनाऊंगी ईद स्पेशल रेसिपी और हम बनाएंगे चिकन शामी कबाब। और ये मेरी काफी फेमस रेसिपी है और काफी सारे लोगों को बहुत पसंद आती है, तो आज मैं वन बाय वन करके आपको सारी रेसिपी बताऊंगी। यहाँ पर मेरे पास 5 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया पॉट के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास है चने की दाल 1 कप, और मैंने इसको 1 घंटा भिगो दिया था। और हम 1 कप यूज करेंगे चने की दाल। और यहाँ पर 750 ग्राम मेरे पास है चिकन, और मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। और अगर आपको मजेदार से कबाब चाहिए तो आपको हड्डी वाली चिकन यूज करनी पड़ेगी। अगर आप बोनलेस यूज करेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा जो हड्डी वाली चिकन में आता है। तो ये 750 ग्राम मैं चिकन का यूज करूंगी। चलें जी, यहाँ पर 1 टेबल स्पून में मिक्स गरम मसाला साबुत वाला ऐड करूंगी, और ये जब चिकन अच्छी तरह गल जाएगी तो हम सारे को निकाल लेंगे। और 15 से 20 है मेरे पास साबुत लाल वाली मिर्च, और 1 टीस्पून में ऐड करूंगी हल्दी का, और 2 टेबल स्पून में ऐड करूंगी सफेद जीरा। चलें जी, ये हो गया। यहाँ पर 1 लहसुन की गठी में डाल दूंगी, और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। और अब हम इनको सारी चीजों को मैं आधे घंटे के लिए ढक्कन लगा के पकने के लिए रख दूंगी। और नमक अभी मैंने ऐड नहीं किया, वो बिल्कुल मैं एंड में यूज करूंगी, क्योंकि उसे अगर मैं अभी यूज करूंगी तो फिर हमारी दाल गलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल लास्ट में ऐड करूंगी नमक को। चले जी, अब मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी आधे घंटे के लिए, और उसके बाद हम दरमियान दरमियान से चेक करते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है चिकन और दाल को, और अब मैं ये देखेंगे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, और ऐसी ही मुझे चाहिए थी। ये देखें, पानी बिल्कुल सूख चुका है इसका। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो, ये देखें रेडी हो गई। चले जी, अब मैं इसको ठंडा करूंगी। और मुझे करना क्या है, और ये जो गरम मसाला है मिक्स वाला साबुत, इसको मैं निकाल लूंगी, और ये जो मैंने चिकन ऐड किया था इसको मैं हड्डियों से बिल्कुल अलग करके ठंडा करके, और हम पीस के मज़ेदार से चिकन शामी कबाब रेडी करेंगे। चले जी, यहाँ पर चिकन को मैंने हड्डियों से अलग कर दिया, और अब मैं ऐड करूंगी धनिया पुदीना और हरी मिर्च, और ये डाल के, और अब मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड करके और अच्छी तरह मैं इनको पीस लूंगी, और हम इसके कबाब बना लेंगे। और ये ऐसे कबाब हैं कि आप इन्हें 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कच्चे प्याज का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको फ्रेश खाने हैं तो आप कच्चे प्याज इसमें डाल सकते हैं, और अगर आपको फ्रीज करने हैं 1 से 2 और 2 से 3 महीने के लिए, तो आप इनमें कच्चे प्याज का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, और बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ ये फ्रीज रहेंगे। और चलें जी, मैं इनको अच्छी तरह पीस के और हम कबाब बना के इनको फ्रीज कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर चिकन शामी कबाब का मसाला हो गया बिल्कुल रेडी, और मैंने इनको बहुत अच्छी तरह पीस लिया, और आप देख सकते हैं। और बस अब मैं इनके कबाब बना के और मैं इनको फ्रीज कर दूंगी। ये देखें, बिल्कुल हो चुका है रेडी।